हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी के असाइनमेंट क्लास 9 के देने वाला हूँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम है 15 डेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी का SVS का पेपर नहीं आया है, इसलिए हम आपको PDF दे रहे हैं और 90% इस PDF में से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सेक्शन ए दिया जाएगा, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको फिल इन ब्लैंक्स दिए जाएगी, आप देख सकते हो। फर्स्ट फिल इन ब्लैंक्स आपको चैप्टर नंबर 11 में से मिलेगा, सेकंड चैप्टर नंबर 12 में से, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 में से आपको दिए जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 19 तक। नेक्स्ट आपको आएगा सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्वक कीजिए। आपको इसमें MCQs की टाइप दिए जाएगी, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तीनों में से कोई एक करने का है। आपको नीचे आंसर साथ में दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप तो देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन हैं। और इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस PDF को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जो कि 90% PDF में से ही आने वाला है। वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें चैप्टर नंबर 11, 12, 15, 16, 18, 19, नेक्स्ट है आपका, हाँ पापा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये आपके 1-2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट है चैप्टर नंबर 15 में से, फिर चैप्टर नंबर 11 में से, फिर चैप्टर नंबर 12 में से, चैप्टर नंबर 15 में से, चैप्टर नंबर 16 में से, चैप्टर नंबर 18 में से, 19 में से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट है चैप्टर नंबर 3 में से, और ये आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सही बिल्कुल चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका 1 मार्क्स का होगा। फर्स्ट है चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से, और ये एकदम रियल PDF है, जो आपका SVS का पेपर आता है क्लास 9 का, इसी में से 90% क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस PDF को पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 20, और नेक्स्ट है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, वो आपका 1 आएगा, वो 2 मार्क्स का आएगा। 1 काव्य पंक्ति आएगी, वह 2 मार्क्स की आएगी। आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 1 में से ये आएगी, चैप्टर नंबर 20 में से। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से, चैप्टर नंबर 17 में से, चैप्टर नंबर 20 में से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, ये आपके 2 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से आएगा, चैप्टर नंबर 17 में से आएगा, चैप्टर नंबर 20 में से आएगा। मैं आपको फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दूं कि ये एकदम रियल PDF है क्लास 9th का, जो कि आपका SVS का पेपर आता है,
इसी में से 90% आएगा। अगर नहीं आया तो हमें आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, आप मेरा नाम बदल देना। लेकिन SCS का पेपर इस PDF में से ही आएगा 101%, चैप्टर नंबर 13 आएगा, 14, 17, 20। नेक्स्ट सेक्शन में सी, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपका वन मुहावरे, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा वो होगा 1 मार्क्स का, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी आपका ओनली 1 क्वेश्चन आएगा, वह होगा 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध कीजिए। यह भी आपका ओनली फॉर 1 होगा और 1 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन मार्क्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। यह आपका ओनली फॉर 1 क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का। सेम प्रवाची पर्यायवाची शब्द एंड शब्द समूह के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, एकदम रियल PDF है, इसी में से SVS का पेपर आएगा, इसलिए इस PDF को पूरा कंप्लीट करके ही स्कूल जाना। अगर इस PDF में से ना आए तो आप हमें कमेंट कर लेना कि इस PDF में से नहीं आया, लेकिन इस PDF में से आएगा 101%, मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कर्तव्यवाचक संख्या बताइए। ये सारे 1 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स से आएगा। पूरा सेक्शन सी, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण बताइए, इसमें विशेषण बताना आपको। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी, इसमें निम्नलिखित प्रयत्न परिविच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका पैसेज राइटिंग के तरह आएगा, एक पूरा पैसेज राइटिंग दिया जाएगा ऊपर, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लिखना है। यह एकदम ईजी है, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार पढ़ लेना। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, अगर आप इस PDF को पूरा कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 50 आउट ऑफ 50 101% आएगा, क्योंकि पूरा पेपर SVS का हिंदी का इस PDF में से ही आने वाला है। इसलिए इस PDF को पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना प्लीज़। आप तो देख सकते हैं, ये सारे कर लेना, 1 मार्क्स आने वाले था। सेक्शन डी भी कर लेना भाई। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप। इसमें आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, इस पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर एक कहानी बनानी है और इसका एक अच्छा सा टाइटल देना है, जिससे आपको टीचर मार्क्स एक्स्ट्रा दे सके। नेक्स्ट है, अगर आपको कहानी नहीं आती है तो आप पत्र लेखन भी कर सकते हैं। पत्र लेखन मतलब कि लेटर राइटिंग। मैं आपको फिर से बता दूं, ये PDF एकदम रियल है, इसी में से सारा क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस PDF को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इस PDF को पूरा कंप्लीट करके ही जाना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रयत्न के विषय पर करीब 100 शब्द में निबंध लिखिए। आपको ऐसे राइटिंग लिखनी है, इस पर आपको एग्जाम में 3 आएगी, तीनों में से कोई एक करना है। और आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है, और आप ये देख सकते हैं मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को बिल्कुल भी ना छोड़े, इस मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट करके ही जाना। मॉडल पेपर में से तो 30% मॉडल पेपर में से ही आता है क्वेश्चन सारे, मॉडल पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेना प्लीज फ्रेंड्स। देख सकते हैं, ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लास 9 फ्रेंड्स में शेयर करें।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय। एंड अगर आपको किसी कोई और सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।